الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور ي سوره شورا آخر اخری ایتیں ان ایتوں کا तफसीर मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बयान हो चुका सूरत मुकम्मल हो चुकी लेकिन चूंकि इन आयतों के अंदर इल्हाम के मुतालिक भी कुछ इशारे हैं इसीलिए सोचा कि इल्हाम के मुतालिक कुछ जरूरी बातें आपको बतलाई जाए इल्हाम कहते हैं अल्लाह ताला के यहां से गैब से जो इल्म नबी के सिवा आम इंसानों के दिलों में आता है उसको इल्हाम कहते हैं अल्लाह ताला के यहां से जो इल्म नबी के सिवा आम इंसानों के दिल पर आता है उसको इल्हाम कहते हैं यूं भी कहते हैं कि इल्हाम अल्लाह के यहां से हिदायत आती है गाइड लाइन आती है रहनुमाई आती है हिदायत आती है और वो नबी के सिवा दूसरे इंसानों के दिल के ऊपर आती है उसको इल्हाम कहा जाता है और ये इल्हाम अल्लाह अपने नेक बंदों के दिलों के ऊपर करते हैं यानी जो सही इल्म होता है वो अल्लाह अपने नेक बंदों के दिलों के ऊपर भेजते हैं सही हिदायत ये अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के दिलों के ऊपर भेजते हैं नबी के दिल के अंदर अल्लाह के यहाँ से जो बात आती है वो तो वही है वो तो शरीयत का कानून है लेकिन ये तो नबी के अलावा आम इंसानों की बात है आम इंसान जो अल्लाह के नेक बंदे होवे अल्लाह के साले बंदे होवे अल्लाह के मुतकी बंदे होवे अल्लाह के बरगुजीदा बंदे होवे, अल्लाह के चहीते बंदे होवे अल्लाह के लाडले बंदे होवे अल्लाह के प्यारे बंदे होवे शरीयत पर अमल करने वाले होवे सुन्नत पर अमल करने वाले होवे हराम से बचने वाले होवे मुशतबे और डाउटफुल चीजों से बचने वाले होवे ऐसे बंदों के दिल के ऊपर अल्लाह ताला सही इल्म भेजते हैं सही हिदायत भेजते हैं सही रहनुमाई भेजते हैं उसको इल्म कहा जाता है और ये जो इल्हाम होता है उसमें किसी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती अल्लाह ताला डायरेक्ट भेजते हैं एक दूसरी किस्म इसके करीब अब इसी के बारे में कुरान में फरमाया फमहा फजूरहा व तकवाहा अल्लाह ताला ने फजूर यानी गलत हराम बात और तकवा यानी अच्छी बात उसको अल्लाह ताला दिल के अंदर भेजते हैं अब ये समझो कि अल्लाह की तरफ से एक परीक्षा होती है अल्लाह की तरफ से एक एग्जाम होता है अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है कि दिल के अंदर तकवा आया अच्छी बात आई नेक बात आई आदमी उस पर अमल करके अल्लाह को राजी करता है फजूर की बात आई गुनाह की बात दिल में आई हराम बात दिल के अंदर आई तो अल्लाह ताला देखते हैं कि मेरा बंदा इससे अपने आप को बचाता है मेरा बंदा ऐसी गलत गुना हराम की बात से दूर रहता है ये बंदे का अल्लाह की तरफ से इम्तिहान हुआ करता है एक सहाबी हजरत हुसैन इबन मंजर खुजाई रदी अल्लाह तहों के बारे में आता है कि जब वो ईमान लाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये दुआ बतलाई बहुत प्यारी दुआ बतलाई अल्लाम इज़नी मिन दी वी नब्सी अल्लाह मुझको हिदायत रुश्द सही बात मेरे दिल में भेजिए और नफ्स की शरारत बुरी गंदी बात से ए अल्लाह आप मेरी हिफाजत फरमाइए तो इंसान के दिल के अंदर आम इंसानों के दिलों के अंदर जो अच्छी बात आती है वो अल्लाह ताला की तरफ से आती है अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से या डायरेक्ट इंसान के दिल में अच्छी बात पैदा फरमाते हैं और जो नाफरमान लोग होते हैं गुनहगार लोग होते हैं ऐसे लोगों के दिलों में शैतान गंदी बात पैदा करता है बुरी बात डालता है हराम बात डालता है इसलिए इंसान को हमेशा ये सोचना है कि उसके दिल के अंदर जो बात आई वो बात अगर शरीयत के मुताबिक हो कुरान के मुताबिक हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हो तो उसके ऊपर अमल करना है और अगर शरीयत के खिलाफ हो नाजाइज हो कुरान के खिलाफ हो सुन्नत के खिलाफ हो तो उससे अपने आप को बचाना है और जरूर बचाना है आज बहुत से इंसान एक बहुत गलत बात बोलते हैं क्या बोलते हैं कि मेरे दिल में जो आया मैं वो करता हूँ अरे भाई जो दिल में आया आदमी अगर वो काम करेगा तो गुमराह हो जाएगा भटक जाएगा अच्छी तरीके से देख लो कि दिल के अंदर जो बात आती है दिमाग में जो बात आती है विचार में जो बात आती है सोच में जो बात आती है फिक्र में जो बात आती है अगर वो कुरान के मुताबिक हो शरीयत के मुताबिक हो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो हदीस और सुन्नत के मुताबिक हो तो उसके मुताबिक अमल करना है और अगर जो बात दिल में आई वो शरीयत के खिलाफ है कुरान के खिलाफ है तो उसके ऊपर बिल्कुल अमल नहीं करना है और ये इंसान की बहुत बड़ी खराबी है कि जो मन में आए उस पर अमल करे मत व्यात दुनिया फ इन अल जही मही अलम अब देखिए अल्लाह तला नबी और रसूल के अलावा दूसरे लोगों के दिलों में भी इलाहाम करते हैं कुरान के अंदर है पहली आयत सुनो औ ना इलाउ मूसा अन और मूसा सलाम की माँ के दिल में अल्लाह तला ने इल्हम किया मूसा सलाम की माँ के दिल में अल्लाह ने ये बात भेजी के मूसा सलाम को दूध पिलाओ तो मूसा सलाम की माँ के दिल में जो ये बात आई उसकी वजह से मूसा अल सलाम की माँ कोई अल्लाह की नबिया नहीं बन जाया करती इसलिए के वो मुसाला सलाम को दूध पिलाने के लिए अल्लाह ने मूसा सलात सलाम की माँ के दिल में बात पैदा फरमाई दूसरी जगह पर है वह इज अव अल्हारी व रसोली हवारी हजरत ईसा सलाम पर ईमान लाने वाले बहुत पक्के नेक ईमान वाले जैसे जिन्होंने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की हुजूर को देखा हुजूर की जिंदगी में ईमान लाए और ईमान पर उनकी वफात हुई उनको हम सहाबी कहते हैं हवारी मुखलिस दोस्त को कहते हैं पक्के दोस्त को कहते हैं गहरे दोस्त को कहते हैं जिन लोगों ने हजरत ईसा सलाम के हाथ पर ईमान कबूल किया उनको हवारी कहते हैं तो ये जो हवारी लोग थे जो हजरत ईसा सलाम पर ईमान लाए थे उनके ऊपर अल्लाह के यहां से वही आई वही मतलब इल्हाम हुआ उनके दिल के ऊपर ये बात अल्लाह ने पैदा फरमाई कि मेरे ऊपर यानी अल्लाह पर और मेरे रसूल यानी ईसा ले ही सलाम पर तुम लोग ईमान ले आओ कितनी बड़ी बात कुरान में एक तीसरी मिसाल ले लो कुलना याद अल कर इम्मा अनु अदिब अव इम्मा तफीना सुबहान अल्लाह आज जुमा का दिन और जुमा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ना बहुत फजीलत है उसी सूर्य कहफ की यह आयत है कि अल्लाह ताला ने इल्हाम के जरिए जुलकरन को बतलाया अगरचे यहां बाज़ मुफसरीन ये कहते हैं कोई नबी थे उस जमाने में उन पर वही आई और नबी ने जुलकरन को बतलाया लेकिन बहुत से हजरात का ये कहना है और कुरान की जाहिरी आयत से भी ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हजरत जुलकर रदी अल्लाह तला के दिल के ऊपर इल्हाम फरमाया कि जहां तुम गए हो वहां के लोगों को अजाब दो या उनके साथ एहसान का बर्ताव करो तो ये इल्हाम अल्लाह ताला जो नबी पर करते हैं वो तो शरीयत है वो तो अल्लाह का कानून है लेकिन अल्लाह ताला नबी के अलावा रसूल के अलावा नेक बंदों के दिलों के अंदर इल्हाम फरमाते हैं अब ये जो इल्हाम है उसकी अलग अलग शक्ल है कभी अल्लाह ताला डायरेक्ट अपने नेक बंदे के दिल के ऊपर बात को भेजते हैं अल्लाह ताला सही इल्म डायरेक्ट अपने नेक बंदे के दिल के ऊपर भेजते हैं और उसी को हम अपनी जुबान में इल्मे लदुन्नी भी कहते हैं इल्म लदुन्नी ये समझ लो इल्म नदुन्नी किसको कहते हैं जो इल्म अल्लाह ताला नबी और रसूल के अलावा आम नेक सालह मुत्तकी बंदे के ऊपर अल्लाह ताला जो इल्म सही इल्म दिल पर भेजते हैं उसी को इल्म लदुन्नी कहा जाता है उसी के बारे में कुरान में ये लफ्ज आया इल्मा हमने अपने पास से उनको एक इल्म सिखलाया था उसमें कोई वास्ता नहीं डायरेक्ट अल्लाह ताला बंदे के दिल के ऊपर भेजते हैं गोया के कोई गैबी छुपा हुआ चिराग है कोई दीवा है नूर का इल्म का वहां से अल्लाह ताला डायरेक्ट एक ईमान वाले के दिल के ऊपर जो सही इल्म भेजते हैं सही बात भेजते हैं और आम तौर पर जिनका दिल साफ सुथरा होता है जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है ऐसे दिल के ऊपर अल्लाह सुबहान तला भेजते हैं गोया के ये एक रोशनी है गोया के ये एक रोशनी है एक नूर है जो अल्लाह ताला भेजते हैं बाज मरतबा फरिश्तों के वास्ते से अल्लाह ताला दिल के अंदर कोई बात भेजते हैं तो अल्लाह ताला अपने नबी के अलावा आम इंसान नेक लोगों के दिलों के अंदर सही बात बेचते हैं अरे ये इल्हाम तो ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला इंसान तो इंसान जानवरों के दिल के अंदर भी बाज़ मर्तबा इल्हाम फरमाते हैं खुद कुरान मजीद के अंदर है व औहा रब्बुका الى النحل ان تتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما ياريشون

लेकिन उसके दिल के अंदर भी अल्लाह ताला ने इल्हाम किया और कितना प्यारा इल्हाम किया अलग अलग जगह से फूल का रस चूसो और उसमें से शहद निकालो लोगों के लिए शिफा का जरिया बनता है तो अच्छी तरह समझ लो जो इल्हाम वही कहलाता है और शरीयत का कानून कहलाता है वो सिर्फ 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 अल्लाह के नबी पर आता है अल्लाह के रसूल पर आता है पैगंबर के ऊपर आता है बाकी आम इंसान जो तकवा वाले हो जो नेक हो जो सालह हो जिनका दिल साफ हो जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो जो शरीयत पर अमल करते हो उनके दिलों में अल्लाह ताला डायरेक्ट एक बात पैदा फरमाते हैं वो शरीयत का कानून नहीं हुआ करता बल्कि वो चीज अल्लाह की तरफ से कोई खसूसी देन होती है और वो आम मतन शरीयत ही के मुताबिक हुआ करती है उस इल्हाम के ऊपर अमल करें और बाज मरतबा ये इल्हाम शैतान की तरफ से भी होता है अरे शैतान आपस में एक दूसरे के दिल पर भी इल्हाम करते हैं और शैतान इंसानों के दिल के ऊपर भी इल्हाम करते हैं अजीब ये शैतान को अल्लाह की तरफ से ये कुदरत मिली है वह इन न शया न इला न इला अपने दोस्तों को इल्हाम करते हैं अपने दोस्तों के दिलों के अंदर बात डालते हैं और शैतान के दोस्त शैतान में से भी है और शैतान के दोस्त इंसान में से भी है और उनके दिलों के अंदर शैतान गंदी गंदी बातें इल्हाम करते हैं तो ऐसी बात से तो बचना बहुत जरूरी ऐसी बात से तो अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी इसीलिए मुहदसिन फरमाते हैं कि नबी का इल्हाम और वली का इल्हाम दोनों में बहुत बड़ा फर्क है अच्छी तरह समझ लो नबी का इल्हाम और वली का इल्हाम अलिया अल्लाह का इल्हाम दोनों में बहुत बड़ा फर्क है नबी का जो इल्हाम होता है वो अल्लाह की तरफ से कतई होता है बिल्कुल पक्का होता है शरीयत का कानून होता है और नबी की जिम्मेदारी होती है कि अल्लाह के यहां से उसके दिल पर जो इल्हाम हुआ वो लोगों को बतला देवे लोगों में फैला देवे लोगों में आम कर देवे लोगों में उसकी तबलीग कर देवे लोगों में इसकी इशात कर देवे और वली के दिल में अलिया अल्लाह के दिल के अंदर जो इल्हम होता है वो इल्हान जन्नी चीज होती है उसमें गलती भी हो सकती है उसमें भूल भी हो सकती है उसका पक्का होना कोई जरूरी और यकीनी होता नहीं है और वली के दिल के अंदर जो इल्हाम होता है उसकी तबलीग करना उसको फैलाना उसको आम करना उसके लिए जरूरी और फर्ज होता नहीं है और वली के दिल में जो इल्हम होता है वो भी नबोवत का नूर है कि नबी की इत्तिबा की बरकत से अल्लाह ताला वली के दिल के अंदर इल्हाम फरमाते हैं तो ये बात ये बारीक फर्क बहुत अच्छी तरीके से जहन के अंदर रखो और दूसरी एक बात समझो अल्लाह के नेक बंदे अवलिया अल्लाह उनके दिल के अंदर जो इल्हाम होता है उसमें आम तौर पर खुशखबरी होती है कि भाई अल्लाह की तरफ से कोई खुशखबरी सुनाई गई या ये कि कोई बात जो समझ में नहीं आ रही थी अल्लाह ताला इल्हाम के जरिए से समझा देते हैं तो आम तौर पर अलिया अल्लाह का जो इल्हाम होता है उसमें खुशखबरी होती है कोई बात जो समझ में नहीं आई अल्लाह वो बात समझा देते हैं जबकि नबी का जो इल्हाम होता है उसमें अल्लाह का हुक्म होता है अल्लाह का ऑर्डर होता है नहीं होती है जो काम करने के नहीं है वो बतलाए जाते हैं ताकि नबी अपनी उम्मत को अपने लोगों को बतलावे ये काम करो ये काम से अपने आप को बचा बचा करके रखो तो ये बहुत अच्छी तरह फर्क को जहन के अंदर रखो और सबसे बड़ी बात मैं आपको बतला दू कि नबी का जो इल्हाम होता है वो शरीयत का कानून है वो अल्लाह का दीन है अल्लाह का हुक्म है जबकि वली का जो इल्हाम होता है वो शरीयत का कानून नहीं है आज बहुत से गुमराह लोग जो शैतान की परस्तिश करते वो कहते हैं हमारे ऊपर दिल में इ्हाम होता है अल्लाह की तरफ से इलाहा होता है झूठ है वो शै शैतानी इ्हाम होता है और खास उसकी सबसे बड़ी निशानी जहन में रखना कि जो लोग शरीयत पर अमल नहीं करते सुन्नत पर अमल नहीं करते हराम से नहीं बचते और वो यूं कहे कि हमारे दिल में इल्हाम होता है तो समझ लो कि वो शैतान की तरफ से इल्हाम है दूसरी बड़ी निशानी समझ लो जो लोग कहते हैं कि इल्हाम होता है और वो बात शरीयत के खिलाफ होती है कुरान के खिलाफ होती है हदीस के खिलाफ होती है तो समझ लो कि वो शैतान की तरफ से इल्हाम है और ऐसे इल्हाम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना ऐसे इलाहाम से अपने आप को बचा बचा के रखना ये बहुत जरूरी है ये आज के जमाने के अंदर बहुत से लोग इलाहा इलाहाम इ्हाम इल्हम की बात करके कोई झूठे नबी होने का दावेदार हो जाता है कोई जो है अपने आप को गौस कुतुब अब्दाल के दर्जे पर बतलाता है और लोगों को घुमराह करते हैं भटकाते हैं और ऐसी ऐसी गंदी बातें करते हैं इसीलिए मैंने आपके सामने बहुत डिटेल में बयान कर दिया याद रखो नबी रसूल पैगंबर का इल्हाम शरीयत है शरीयत का कानून है अल्लाह का हुक्म है और नबी के अलावा जिसका भी इल्हाम होगा अगर वो शरीयत के मुताबिक है तो ठीक है शरीयत के खिलाफ है सुन्नत के खिलाफ है कुरान के खिलाफ है तो ऐसी बात को बिल्कुल सुनना भी नहीं ऐसी बात को मानना भी नहीं ऐसी बात से अपने आप को बचा बचा के रखना ये बहुत जरूरी होता है अल्लाह गुमराही से हमारी हिफाजत फरमावे और गलत चीजों से अल्लाह हमें सलामत रखे सुबहान और इज्जत अम्मा वसलामर सलीम आलमीन